हेलो नमस्कार आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने जा रहे हैं आपको पता है आपका जो कॉमर्स का यूनिट नाइन है उसका सिलेबस ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं कैपेसिटी दे रखी है फ्री कंसर्न दे रखी है डिस्चार्ज दे रखा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ये कुछ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये जो सारा डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन का जो एक्ट है इससे ये सारे इसके प्रोविजन डील होते हैं आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है वॉट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ये बनता कैसे है तो सबसे पहले हम ये डील करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्ट आया कब ये बनकर तो तैयार हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल एटीन टू को और ये लागू कब से है डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज़ फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन टू आप इमेजिन करके देखिए 1872 का अंग्रेजों का गोरों का ये कानून बनाया हुआ आज भी इसमें महज कोई एक दो अमेंडमेंट्स हुए होंगे अब तक इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ इसलिए एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है ये आपके कॉमर्शियल लॉज को जो डील करता है अब बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इसी की बात करता है बाई एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो सिस्टम है इससे बात डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा एल के जो अपने हो गए लाइफ इंश्योरेंस और जितनी भी मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस है तो इनमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है पहले से फिक्स है एक पार्टी है वो डोमिनेंट है उन्होंने आपको लिख के दे दिया आप उतनी सारी कंडीशंस को पढ़ हुई नहीं हम कहाँ पढ़ते हैं उन सबको जैसे अब आप एट प्रेजेंट देख लो Android को ही अपनी ऐप है अगर आप उनको अलाउ करोगे तो ही वो आगे जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है गो ऑन देयर वेबसाइट वो आपको देंगे ही नहीं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ज़्यादा आपको डील में डीप में बात नहीं करनी प्रोमिजरी एस्टोपल एक डॉक्ट्राइन है जिससे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको मानना पड़ता है आपके बीच ऐसी रिलेशन है कि वो आपको फॉलो करना पड़ेगा आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ढंग से लेकिन ये एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना आपको इतना ही ध्यान रखना है भाई एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले हम ये बात कर ले कि आपका जो ये एक्ट है इसमें कितनी सेक्शन है इसमें टोटल टू डबल सिक्स सेक्शन है जिनको हटा के टू थर्टी नाइन से टू सिक्सटी सिक्स सिक्ष्ट पार्टनरशिप एक्ट बना दिया और एक इसमें जो है ये आपका चैप्टर सेवन सेवनटी सिक्स से वन टू थ्री इसको भी हटा के बना दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी का जो है वो बना दिया दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो ये हैं और सबसे पहले प्रीलिमिनरी बात करता है आपको इतना डीप में ध्यान नहीं रखना लेकिन आपको जो आपका इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है मेरा मकसद आपको हर एक चीज पता हो क्योंकि आपको बहुत कम चीज़ें पूछेंगे वो <coughs> चैप्टर फर्स्ट से सिक्सथ है ये बात करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसी में आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस है और जो स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ये चैप्टर डील करता है इंडेमिनिटी एंड गारंटी चैप्टर एट चैप्टर नाइन में है बेलमेंट एंड प्लेज चैप्टर टेन में है एजेंसी ये आप नोट डाउन कर लो आपको काम आएगा <coughs> सबसे पहले अब हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा अब प्रपोजल वो वाला प्रपोज तो है नहीं ये मतलब वो वाला ही नहीं वैसा ही है आप सही समझ रहे हैं ये महाशय हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने इन मोहतरमा को ये बोला कि क्या आप मेरा लैपटॉप पच्चीस हजार रुपए में खरीदेंगी प्रपोजल क्या होता है ना करने या न के लिए भी होगा लेकिन इंटेंशन होना चाहिए यहां इनका करने का <coughs> इन भाई साहब ने इन मोहतरमा को बोला आप लैपटॉप खरीदेंगे पच्चीस हजार में इन्होंने कह दिया जी अब ये इन्होंने कहा यस यस कहते ये क्या बना एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस ये मोहतरमा इनसे कर रही हैं प्रॉमिस कि हाँ मैं ये लैपटॉप पच्चीस हज़ार में खरीदूंगी अब आप ये वाला एक ये एक, एक स्टेटमेंट एक बार पढ़िए कि जो ये प्रॉमिस है ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है ये वैसा ही है जैसे एक बारूद से भरी हुई गाड़ी को ये आई ट्रेन टिक 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 इस ट्रेन को मान लो ये ये बारूद की भरी हुई है और इसको एक ये तिली है भैया मैचिक है ये मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग तो आप इसे समझ लो ये इससे टकराई तो क्या होगा ऑब्वियसली ये जलकर राख हो जाएगी तो एनसन एक स्कॉलर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि एक्सेप्टेंस इज़ टू एन ऑफ़र इन्होंने क्या किया था ऑफर किया था इन्होंने यस कहते ही इतना इंपॉर्टेंट बन गया अगर मान लो आप इमेजिन ये देखो प्रैक्टिकली हम बात करें ये बंदी ये कह दे मोहतरमान नो मैं नहीं लेना चाहती तो यहाँ आगे कुछ होगा ही नहीं ये यस करते ही इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्टेंस और आपको बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछेगा A when accepted, में दे देगा एग्रीमेंट तो आप कभी मत हो ना? और जो जनाब है ये जनाब ये कहलाएंगे प्रोमिजर और ये है प्रोमिजी ये बात हुई इनकी पार्टी टू डी में दे रखा है टू डी में दे रखा है आपका कन्सिड्रेशन टू डी में आपका दिया है कन्सिड्रेशन तो कन्सीड्रेशन क्या होगा यहाँ इनके लिए कन्सिड्रेशन क्या है ये पच्चीस हजार रुपये देंगी तो इनके लिए इनको मिल रहा है लैपटॉप ये लैपटॉप इनको मिल रहा है और इनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ इट इज़ कॉल्ड एज कन्सिड्रेशन तो कन्सिड्रेशन हो गया इसके बाद में अब बात आती है हम डायरेक्टली कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट 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 ऐसे नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट के स्टेजेस हैं ये आप इनको एक बार पढ़ लो कभी भी ये बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये काम आएगा तो आपका एग्रीमेंट अब बनेगा एग्रीमेंट कैसे बन रहा है प्रॉमिस प्रॉमिस किस में आया टू बी में एंड देन कंसिडरेशन टू डी में देन एवरी एग्रीमेंट में क्या आएगा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर ये हमने बात कर ली दोनों के लिए एवरी प्रामिस बहुत सारी भी हो सकती कोई है कोई जरूरी थोड़ी ये एक ही चीज़ बेचिए बोले मैं मेरी घड़ी भी बेच रहा हूँ लैपटॉप भी बेच रहा हूँ इतने इतने में बेच रहा हूँ तो एवरी प्रोमिस सेट ऑफ प्रामिसस फोमिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट अब ये अग्रीमेंट बनेगा और हिंदी में इसे हम कहते हैं करार वादे करार करार तो ये जो इन्होंने करार किया ये अगर एनफोर्सेबल बाई लॉ है इन्फोर्सेबल बाई लॉ मतलब आपको लीगली अगर आपका ये एग्रीमेंट है देन इट विल बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इसमें लॉ का मतलब लॉ इसमें जान फूंक देगा ये एक पुतला महज ये करार एक पुतला बना है और इससे लॉ टकरा है एनफोर्सेबल बाई लॉ और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट है हंड्रेड परसेंट आपने सब कुछ फॉर्म सारे इसेंशियल अभी हम बात करेंगे तो ये बनेगा टू एच आपको अब धीरे धीरे जैसे लेवल आपका बढ़ रहा है तो आपको ये डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं कौन से में दे रखा है क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे लेवल तो बढ़ा ही रहे हैं आपको ये भी पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का मोस्ट तो इम्पोर्टेंट है जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन है टू एच में अब ये हंड्रेड बन गया एनफोर्सेबल बाई लॉ लेकिन ये इसके नीचे दे रखा है voidable, एबल void एबल तो voidable एबल जिसको हम void करवा सकें ये मैं इसका एक ये बना देता हूं ये हो गया void, वाइड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ अगर आपने मान लो इन इन मोहतरमा के ऊपर ही चलते हैं इन मोहतरमा ने क्या किया इन मोहतरमा ने अपने ये मान लो इनका दोस्त है इनको बोलता है कि तू मुझे पार्टी दे इनका बर्थडे था इसने कहा ठीक है दे दूँगा बहुत अच्छे फाइव स्टार होटल में देता हूँ मान लो ये नहीं देता तो एग्रीमेंट तो हुआ इन्होंने कहा कि, कि दे दूंगा नहीं दिया तो क्या होगा ये इसको एनफोर्स नहीं करवा सकती कुछ भी हो सकता है हम करते ही आपस में बात इन्फोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए आई बात समझ में तो नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाएगा वॉइड इसको हिंदी में बोलते हैं सुनने है कुछ नहीं है ये जीरो है तो ये इसको जीरो हो गया और ये हंड्रेड परसेंट हो गया वॉइड एबल अब ये मैंने बीच में क्यों लिखा पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता है और वो इसको वॉइड भी करवा सकता है पूछो कैसे क्योंकि मान लो अभी हम आगे बढ़ेंगे इनकी कंसेंट कैसे ली अलग से हम उसका वीडियो बना लेंगे वर्ड बस इतना अभी ध्यान रखो कि पार्टीज़ के पास ऑप्शन होता है ये होता कॉन्ट्रैक्ट ही है लेकिन पार्टीज के पास अवेलेबल ऑप्शन है अब हम बात कर लेते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये दे रखा है सेक्शन टेन ने इसने अब ये क्या क्या दे रखे हैं ये पढ़ लेना ये जो ये यही लिखा हुआ है जो नीचे अब सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये देख रहे हो कि कट क्यों किया मैंने ये मैंने कट इसलिए कर दिया क्योंकि एग्रीमेंट बन रहा है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमने टू ए ऑफर भी किया है और टू बी एक्सेप्टेंस किया है देन टू डी इज इक्वल टू टू ई बनता है एग्रीमेंट तभी तो आके बनेगा डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं बनता कभी भी तो एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में ये एक इसका बहुत जरूरी मतलब इसेंशियल एलिमेंट है और फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए फ्री कॉन्सेंट की हम बात करें फ्री कॉन्सेंट में जैसे आपको फ्री कॉन्सेंट कब होगी आपको जैसे कोर्सियन अब ये वही एग्जांपल आप अपने पूरे इसमें ध्यान रखो आप इन मोहतरमा की मान लो कि जो इन्होंने यस कहा ये यस इनकी कनपट्टी पे किसी ने गन लगा रखी थी इट इज़ कॉल्ड कोर्सियन और अन इन्फ्लुएंस मान लो कि मैं अब आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी आप इतनी देर तक सुन रहे हो ना मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके पास क्या है एक बी कार है और आपको लगा है, हाँ रोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपने मेरे को वो पाँच हज़ार रुपये में दे दी तो आपके बीच में और मेरे बीच में कैसा रिलेशन है एक फिडियोश्री रिलेशन बोलते हैं एक विश्वास का रिलेशन है अनडू इन्फ्लुएंस की मैंने आपको इन्फ्लुएंस करके नहीं दिया ये मैं ही प्रूव करूंगा मैंने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया ये हो गया तो ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे अविडेबल होते हैं गाड़ी तो गई अब इनको मान लो प्रॉब्लम ही नहीं हो तो सही है कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया फ्रॉड है आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का था पहले से ही मिस रिप्रेजेंटेशन आपको फ्रॉड का तो नहीं था लेकिन आप भी खुद इसमें मिसरीप्रेजेंटेशन में था नेगेटिव होता है फ्रॉड और ये होता है कि इनको खुद को भी नहीं पता कि हमें ये चीज़ सही है या गलत है और एक बात आती है मिस्टेक की मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट होती है एक मिस्टेक ऑफ लॉ अब जैसे आप फॉरेन लॉ को जानो ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन अपना लॉ क्या कहता है इंडियन लॉ को आपको जानना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते मिस्टेक ऑफ़ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल ये ध्यान रखने वाली बात है आपको ये भी पूछ लेगा मिस्टेक ऑफ़ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते फॉरेन लॉ का आप ले सकते हो तो ये सब हो गए फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए फिर है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज अब ये जो पार्टीज़ है ये कॉम्पिटेंट होनी चाहिए वही आप एग्जाम्पल ध्यान में रखो ये लड़का है ये वो मोहतरमा है तो ये कॉम्पिटेंट का मतलब ये माइनर नहीं होनी चाहिए पागल भी नहीं होनी चाहिए हम पागल नहीं हैं भैया वो वाली भी नहीं होनी चाहिए और पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ अब लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई किसको माना गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसको माना गया है एक तो कोई शत्रु राष्ट्र का है, एलियन एनिमी है शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो गया ऐसा कोई मान लो पर्सन है जो जिसको सजा सुनाई जा चुकी है दिवालिया घोषित हो गया है कुछ भी नहीं है और फॉर सॉवरियंस है डिप्लोमेट्स है इनके साथ आप नहीं कर सकते एक कंपनी वायरस कंपनी अपना आपको पता है आप कॉमर्शियल कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अपना उनका होता है मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो मेमोरेंडम से बाहर जाके वो कुछ काम नहीं कर सकती वो क्या होगा अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स है तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की बात होगी और इसके बाद में फोर्थ क्या है आपका हाउ मच कंसिडरेशन इज एडिकट कंसीडरेशन अभी मैंने बात करी कि बी अब कितने लाखों की कार है आपने मुझे पाँच हजार में दी ये कंसिडरेशन है तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि वो कितने में दी कंसिडरेशन मे बी वन रुपी और वन लैख रुपी उसको कंसिडरेशन माना जाएगा इतना ध्यान रख लो और लॉफुल ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट क्या लॉफुल होता है ये भी बता रखा है कि नेगेटिवली दे रखी है कि आप अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट uh, करते हैं उसके नेचर से ही पता लग रहा है या उसको अलाउ कर दिया तो वो किसी लॉ को हार्म कर देगा दूसरा है फ्रॉडुलेंट है किसी व्यक्ति या पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है आप कर रहे हो कि भाई उसको मारना है उसका हीला करना है तो ये नहीं होगा कोर्ट रिगार्ड्स से इमोरल और अपोज पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी ये कुछ भी हो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना इमोरल क्या है पब्लिक पॉलिसी क्या है, ये तो आपको भी पता होगा इमोरल चीजें क्या क्या है तो इन सब के कि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते अब आता है मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ये कुछ एक इन्होंने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बता दिए जैसे इंपॉर्टेंट uh, इम्पॉर्टेंट अभी मैंने फैक्ट को आप बता दिया दोनों ही पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थी दोनों को ही नहीं पता तो दोनों को, नहीं पता। तो, दोनों को नहीं पता तो वो कैसा होगा वॉइड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल कंसिड्रेशन है ऑब्जेक्ट भी आपका अनलॉफुल है तो भी आपका सही नहीं है विदाउट कंसिडरेशन करार क्या होते हैं वॉइड होते हैं लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं सेक्शन ट्वेंटी फाइव में बात कर लेंगे बाद में रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आप किसी से शादी नहीं करोगे ऐसा अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसा वॉइड है लेकिन माइनर की शादी करने के लिए कौन कर सकता है उसके पेरेंट्स कर सकते हैं ये ध्यान रखनी है तो ट्रेड नहीं करोगे ट्रेड ये आपको पता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको व्यापार करने की सबको फ्रीडम देता है आर्टिकल 19 तो ये ये सब करने क्या है वॉइड है ये सब इन्होंने बताया अनसर्टेनिटी मैंने ये बोला एक पर्सन को कि भाई साहब मुझे ऑयल चाहिए अब मैंने ना तो ये बताया कितना चाहिए अब वो भाई साहब ऑयल बेचते हैं सरसों का तेल भी बेचते हैं कोकोनट ऑयल भी बेचते हैं अनसर्टेन हो गया ना तो ये अवॉइड हो जाएगा खुद कोई क्लियर नहीं है इम्पॉसिबल एक्ट हम जो कहते हैं ना ये मान लो ये लड़का लड़की का एग्जाम्पल कह देते ना मैं तो तेरे लिए जान दे सकता हूँ चांद तारे तोड़ के ला दूँ तो तारे तोड़ के ला ही नहीं सकता इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट और ये एक फिफ्टी सिक्स जो बाद में इम्पॉसिबल बन जाता है ये सब हम बाद में करेंगे डिटेल में एक लास्ट वाला जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ये जो है ये केस आया बालफोर वर्सेस बालफोर ये कहानी मतलब इतनी बढ़िया है सुनो ये पर्सन था सिलोन श्रीलंका जो था वहाँ का नागरिक गए इंग्लैंड मैंने मेरे चैनल पर इसका वीडियो अलग से बना रखा किसी को पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना ये गए सिलोन से इंग्लैंड घूमने अपनी वाइफ के साथ वहाँ ये वाइफ बीमार हो गई और इसको मिस्टर बालफोर को वापस आना था ये इसको वहाँ छोड़ के आ गया और कहा कि मैं तेरे को हर महीने तीन सौ जो भी पौंड होगा जो भी इनकी करेंसी थे भेजते रहूँगा तो आराम से रह यहाँ अब इसने नहीं भेजे तो यहाँ कोर्ट ने क्या कहा कि अब ये बालफोर गई ना दोनों बालफोर क्या मिस्टर एंड मिसेस बालफोर आई हैं कोर्ट ने है। कहा भाई नहीं मिलेगा पैसा क्यों क्यों नहीं मिलेगा पैसा इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज ये डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कल को अगर ये अलाउड कर दिया कि पैसा ये पति ने बोला नहीं दिया बाढ़ आ जाएगी कोर्ट में सारे किस कॉन्ट्रैक्ट की इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कौन से पति टाइम पे देते हैं पैसे सोच के देखो ना डोमेस्टिक नेचर का है तो वहाँ इंटेंशन ही नहीं था उसका कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशंशियल तो हमने क्या क्या बात कर ली अब एक बार देखो वापस चलते हैं ऑफर एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट रहना चाहिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए अब एक चीज हाँ इसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी में बता दूँ माइनर का माइनर में एक केस आता है आपका लाल है, मोहरी बीवी वर्सेज धर्मोदास घोष मोहरी बीवी वर्सेज धर्मोदास घोष में क्या हुआ मोहरी बीवी के पति का नाम था जो एक सेठ था ब्रह्मो दत्त ने पैसे दिए एक माइनर ये मान लो बच्चे को पैसे दिए अब इसको ये पता था कि ये बच्चा है और इन्होंने इसको पैसे उधार दिए और जब इसने पैसे नहीं दिए तो ये कोर्ट में गया फिर इसकी डेथ हो गई तो थी तो मोहरी बीवी इनकी वाइफ आई थी तो मोहरी बीवी वर्सेस ये है धर्मदास घोष ये है बच्चा तो ये कोर्ट के पास गए कि जी आप कम से कम ये तो करा दो हमारे पैसे जो दिए वो तो वापस दिला दो कोर्ट ने कहा आप माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना वो प्रारंभ से ही वॉइड होता है वॉइड एविशियो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये एक आवश्यक इसका एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स करवा रहे हैं जबकि दोनों पार्टीज मेजर साउंड माइंड होनी चाहिए तो एक लैंडमार्क केस है ये भी आपको पूछा जा सकता है ध्यान में रखना है माइनर के साथ चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे गिरे कटेगा कौन खरबूजा ही कटेगा तो ये वाला लाइन ध्यान में रखना तो माइनर को सोच समझ के कुछ दिया करो भाई आगे से क्योंकि आप उसको नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ है वो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे तो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए अब इसका हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के डिटेल में इन सब की बात कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा बाय